न्यूज शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं श्रवण यादव कौन है और मुझे बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार का जब चुनाव हुआ था तो 2000 वो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़े दल के रूप में जनादेश दिया था, यानी सिंगल लार्जेस्ट अगर कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल थी। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाजपा के लोग जो है उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई, क्योंकि जो 3 सदस्य वीआईपी के थे वो उनके साथ जुड़ गए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं, जोगीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से, और सईद रकनुद्दीन अहमद जो बाईसी से जो है जो एआईएम में थे। यानी एआईएम को 5 सीटें मिली थी जिसमें कि 4 विधायक, ये 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकारता दी है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के 10वीं सूची, जो भारतीय संविधान का 10वीं सूची धारा 4 के अंतर्गत में इन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल में विलय किया है, यानी मिनिमम जो है आपको किसी भी दल का अगर विलय होता है तो 66% होना चाहिए। और आप सब लोग जान रहे हैं 5 में से 4 जो एमएलए जो ज्वाइन किए एआईएम के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है सूची जो है दसवीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन्होंने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करें, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है 4 विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम इन सभी 4 विधायकों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। शहनवाज भाई हुए, नईमी साहब हुए, मोहम्मद इजहार अशफी साहब हुए, जैरकुद्दीन अहमद साहब हुए, 4 विधायकों का हम धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इन 4 के आने के जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, 4 आरजेडी के नए विधायक का ताल्लुक राष्ट्रीय जनता दल से पुराना रहा है। 2005-10 में लोगों ने चुनाव भी लड़ा है और शहनवाज भाई तो 2015 में विधायक ही थे राष्ट्रीय जनता दल के, तो इनकी वापसी जो है घर वापसी हुई है जिससे हमारा दल महागठबंधन मजबूत हुआ है और देश के हालात को देखते हुए इन लोगों ने जो फैसला लिया है ये बाकायदा निडर फैसला है। और हम लोग सब लोग
चारों जो नए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम लोगों ने मिलवाया है, उनका भी आशीर्वाद सभी लोगों से प्राप्त हुआ, सभी लोगों पर तो बड़ी खुशी की बात है कि फिर से पुनः इन लोग देश के हालात को देखते हुए इतना निडर फैसला लेते हुए पुराने घर में वापसी उन्होंने की है, इसलिए हम लोग दिल से इसका स्वागत करते हैं। तो क्या करें, कोई नहीं नहीं हम चाहेंगे कि चारों जो विधायक हैं वो भी अपनी बात जो है आप लोगों के साथ सामने रखें, उसके बाद जो सवाल का जवाब होगा हम सवाल का जवाब देंगे। अपना मजबूती करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने का देख रहे हैं मोबाइल पे ये अभी सवाल बाद में पहले अपना अपना बात रखें। पावन बहादुरगंज से विधायक अभी जो हालात में जो देश का परिस्थिति है उसको देखकर लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने के लिए हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग राजद को ज्वाइन किए हैं और इसमें बहुत अच्छा रोल रहा हमारे संजय जी का भी जो हम लोग इस पार्टी में आए, बहुत ये अहम फैसला था जो प्रदेश के लिए भी ये साबित होगा, वक्त आने पर पता चलेगा कि हम लोगों का जो मंशा था महागठबंधन को मजबूत करना, प्रदेश को मजबूत करना और देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। शहनवाज जी हैं, आप लोग जान ही रहे हैं हम लोगों के पार्टी के कदावर नेता रहे और सीमांचल के जो गांधी चलाते थे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब उनके ये शहजादे हैं, छोटे पुत्र हैं, तो हम चाहेंगे कि अपनी बात रखें। देखिए AIMIM ने मौका दिया, हम इसके लिए उनका शुक्रगुजार करते हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे जो मौजूदा चुनाव अभी कुछ वर्ष पहले हुआ, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, तमाम सेकुलर ताकतें, हमारी पार्टी भी लड़ी थी जिस पार्टी में मैं पूर्व में था, सब लोग अल्पसंख्यक हो या सेकुलर लोग हो, तमाम लोगों ने सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की कोशिश की। उसी क्रम में उसी दोनों प्रदेश का रिजल्ट को देखते हुए हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जोकीहाट से आते हैं, सीमांचल से आते हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, वहाँ के सेकुलर लोग चाहते थे कि हम तमाम लोग फिर से बिहार में जो सबसे मजबूत सेकुलर पार्टी है हम उसका हाथ को मजबूत करें, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएं और सीमांचल की जो बदहाली है उसको सब लोग मिल करके दूर करें। अपना बोल देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा तेज बोल दीजिए सर प्लीज। AIMIM पार्टी से पहले भी विधायक रहा और माननीय लालू जी के और अभी मौजूदा हालात में जो मुल्क के हालात और सारे एक प्लेटफॉर्म में आते खिलाफ चुनाव लड़ना है, इसलिए हम लोग बिहार में अपने युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और सीमांचल में संगठन को मजबूत करके हम लोग नया बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल पहले से चल रही थी काम विधायकों को अपने पार्टी में लाने के लिए उदयपुर में घटना हुई अभी इस मामले पे आप लोगों ने एक पहले देखिए जहाँ तक मामला है इन लोगों ने साफ तौर पे ये कहा कि जो देश के हालात और आप लोगों ने घटनाएं भी देखी होंगी चाहे उदयपुर हो या कहीं भी हिंसा होती है, जो कट्टरपंथ है, कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
और हमारा साफ मानना है कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं या आने वाला जो पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितने सेकुलर फोर्सेस हैं वो मजबूत हों, एकजुट हों। सेकुलर फोर्स जब हम बोलते हैं तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना देखा जाता। हर धर्म में कुछ सेकुलर विचारधारा के होते हैं, कुछ कट्टरपंथ होते हैं, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं कि सब लोग वो को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज देख लीजिए, पहले से ही जनता देश की बेरोजगारी से, गरीबी से, लाचारी से, बेबसी से, ना शिक्षा है ना चिकित्सा है, और जहाँ से ये विधायक जो चुन के आए हैं वो बिहार का सबसे गरीब इलाका जो कि सीमांचल है, और अभी जो पूरा बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उस हालात में पहले से ही इतनी ज़्यादा मुसीबत हमारी देश की जनता, बिहार की जनता झेल रही है, वो कम था क्या जो इस तरह का पॉइजन, जहर समाज में घोला जा रहा है, जहां एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ाया जा रहा है। चाहे नुपुर शर्मा का बयान हो, उसकी भी निंदा है, चाहे जो उदयपुर की घटना है हम उसकी भी कठोर निंदा करते हैं, और हिंसा और सांप्रदायिकता से हम लोग लगातार जो है लड़ते आ रहे हैं। विचार जो हमारा विचारधारा है सब लोगों को पता है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन हो, शांति हो, खुशहाली हो, भाईचारा हो। आज अमन छीन गया, चैन छीन गया, खुशहाली छीन गई, कोई वर्ग चाहे युवा हो, महिला हो, महिला सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की हालात आप देख रहे हैं पूरे बिहार में या पूरे देश भर में, आप स्थिति देख लीजिए, हर जगह क्राइम हो रहा है, गरीबी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान खुश है, ना छात्र खुश है। तो इस हालात को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और हम लोगों ने खुशी जाहिर की है कि भाई इसे बल मिला, और ये समय का मांग था, और ये जनता की मांग थी, आम आवाम की मांग थी कि भाई बिहार में महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कीजिए। अगर कोई बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को लड़ सकता है, हरा सकता है, जो हमने हराया, आज तक भाजपा की हिम्मत नहीं हुई बिहार में कि अकेले चुनाव लड़के दिखा सके। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी तीसरे नंबर की जो पार्टी है उसका मुख्यमंत्री बनाया गया, ये क्या है? इसलिए हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे, और हम लोग जीत हासिल करेंगे। नहीं 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 नहीं, सब कोई ऑपरेशन सर्जरी थोड़ी ना होता है ये सब देखिए, कोई सर्जरी ऑपरेशन नाम, भाई हम लोगों की क्या ताकत है जो बीजेपी की है उस हिसाब से? ये तो एक विचार की लड़ाई में, विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, जो जनता की मांग है उससे ये लोग आए हैं, जो समय की मांग थी उससे जुड़े हैं। वरना आप तो जानते हैं हम तो विपक्षी दल हैं, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने महागठबंधन को जनादेश दिया। वो अलग बात है कि चोर दरवाजे से कोई सरकार आई और बनी, लेकिन इतना मजबूत विपक्ष बेईमानी के बाद भी हम लोग इतने मजबूत हैं कि लगभग जो है ज्यादा दूर नहीं है सत्ता से, फिर भी हम लोगों को सत्ता का लालच नहीं है, लोभ नहीं है, औरों को होता है और है भी, वो दिखता भी है, छलकता भी है, लेकिन हम लोगों को इतना रसाकसी में भाजपा जदयू आपस में लड़ रहा है, फिर भी बेइज्जत कर रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी बने हुए साथ, ये दिखाता है कि कितना सत्ता का लालच है, लोभ है। लेकिन हमारी लड़ाई चलती रहेगी, एक विचार की लड़ाई है, और पूरे देश में दो विचारधारा है और दो विचारधारा के बीच लड़ाई है, और लड़ाई
जो अहिंसा में विश्वास करता है, जो अमन चैन भाईचारा में विश्वास करता है, जो देश का उत्थान में विश्वास रखता है, विकास में विश्वास रखता है, जीत उसकी होगी। जो नफरत की राजनीति करते हैं, झूठ बोलने का फैक्ट्री जिन लोगों ने खोल रखा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है, कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी थी। नहीं नहीं, अब कैसे हुई नहीं हुई, अब हमको तो अब कौन किसको, वो लोग एनडीए में आपस में झटका झटका खेल रहा, एक दूसरे को कभी ना कभी झटका ही देते रहते हैं। उसमें हमको नहीं, हमको अपना काम करना है, अपने चले हो ही गया सारा बात हो गया। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, कारवा बनाते जाएंगे। आराम से हटा लो, पैर से।